हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भाषा संबंधी प्रश्न है, भाषा पर आधारित प्रश्न है। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ सूत्र जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली हल करेंगे। देखिए, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है यह ए यूनियन बी। वेन आरेख भी पढ़ा है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में वेन आरेख जब हम लोगों ने बनाया था, तो वेन आरेख में हमने क्या बनाया था, ये हमारा हो गया आयत, जिसे हमने क्या मान लिया है, यू, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, दो समुच्चय ले लिया है, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। ये हमारा कौन है, ए है, ये कौन है, बी है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग को ए यूनियन बी ज्ञात करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इस ए यूनियन बी में ए और बी के पूरे पार्ट्स को क्या कर देते थे, छायांकित कर देते थे। तो ये पूरा जो छायांकित भाग है, ये हमारे लिए क्या कहलाता था, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को ज्ञात करने के लिए और जो भाषा संबंधी प्रश्न है उसमें इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए एक सूत्र है। ध्यान से देखिए सूत्र को, कि यदि ए यूनियन बी बराबर है एन ए यूनियन बी बराबर, तो इसे लिखा जा सकता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी बात को ए यूनियन बी ज्ञात करने की इस बात, ये विधि क्या है, भाषा संबंधित प्रश्न को हल करने के क्या आएगी, काम आएगी। देखिए इसमें कैसे है, हमें ए यूनियन बी चाहिए। क्या चाहिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, कि यदि हम लोगों ने ए और बी जो दोनों में है, ए और बी क्या है, जो दोनों में, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी जो दोनों में है, ए यूनियन बी और हमें क्या चाहिए, एन ए और क्या चाहिए, एन बी। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी में क्या है हमारे पास, ये हमारा है, ये पूरा ए है और ये हमारा कौन है, पूरा बी है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है इसे बोल रहे हैं ए, इन दोनों में जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग पूरा ए ले लें, पहले तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ए ले लें, ये पूरा, जब हमने पूरा ए सेलेक्ट किया तो ये पूरा भाग आ गया, फिर हमने क्या करा, इसी में एन में बी जोड़ दिया, किसे जोड़ दिया, बी, तो ये बी का पूरा भाग आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ये हमारे लिए कितने बार, दो बार काउंट हो गया, एक बार ए को गिनते समय और एक बार बी को गिनते समय। इसलिए इस भाग को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इसे एक बार क्या कर दिया, हम लोगों ने घटा दिया, तो ए यूनियन बी निकालने का क्या हो गया, ये एक सूत्र तैयार हो गया, जिसे हम लोग क्या, भाषा संबंधित आगे आने वाली प्रश्नावली को क्या करेंगे, हल करेंगे। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या जहां एन से आप समझ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है, अवयव, क्या है, अवयव। ठीक है ना, किसमें, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, ये रहा आपके लिए। यदि इसी प्रकार से तीन हो जाए, कितने हो जाए, तीन, जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों समुच्चय को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये हो गया एन ए, ये क्या हो गया, एन बी, और अगला कौन हो गया, एन सी। ठीक, आगे आगे क्या हो जाएगा, हम लोगों को घटाना पड़ेगा, किसे, ए और बी में जो आया होगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर प्लस करना पड़ेगा, किसे, माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन इंटर एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा जो तीनों में आ जाएगा, जो तीनों में आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, तीन अवयव अगर हमारे पास उपस्थित रहेंगे तो। ठीक है, तो आप इस सूत्र का और इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, आगे आने वाली प्रश्नावली को हल करेंगे। आगे आने वाली प्रश्नावली को हल करने से पहले हम आपको उदाहरणों से शुरुआत करते हैं, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। देखिए, हमने उदाहरण नंबर आपकी किताब से उदाहरण नंबर 23 लिया है। उदाहरण नंबर 23 में कहा गया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि
दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में कितने अवयव हैं? 50 अवयव हैं। x में कितने हैं? 28 अवयव हैं। और y में कितने हैं? 32 अवयव हैं। तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं? ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसका इसे इसका हल लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो चीजें दी गई हैं सवाल में वो लिख लेनी चाहिए। क्या हमें उन्होंने दिया है? x नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y बराबर कितना है? 50। ठीक है, अगला उन्होंने दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट x कितना है? 28। फिर उन्होंने कहा है और y में 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है? 32। और हमसे उन्होंने पूछा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, ठीक है ना। तो हम लोगों ने हमने अभी आपको यहाँ फॉर्मूला बताया है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर लीजिए। कैसे लिखेंगे? n x यूनियन y, n अवयव किसमें? x यूनियन y में, x यूनियन y बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x माइनस y। ठीक है, यहाँ देखिए x यूनियन y का मान कितना है? 50। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा n ऑफ x, मतलब n में x में अवयवों की संख्या कितनी है? 28 प्लस n और y, n y में कितनी है? 32। हमें ज्ञात जो करना था वो यहाँ है, x माइनस y। ठीक है, x माइनस y को क्या करेंगे? बराबर किस पर लेके आ जाते हैं? तो ये क्या है? माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x माइनस y, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ क्या रहेगा? माइनस नहीं, इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन, ये हमारा इंटरसेक्शन। ठीक, x इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा? 28 प्लस 32, और ये 50 यहाँ क्या है? प्लस में है, तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 50। 28 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6 60, माइनस कितना? 50। तो इस प्रकार n x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 10। ये रहा उदाहरण नंबर कौन सा? 23। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण संख्या 24 आपकी बुक का कहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं उसे छांट करके क्या लिखें? लिख लेते हैं, फिर आगे लगाते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या दिया है? उन्होंने दिया है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 20। ठीक है, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। तो कुल अध्यापक कितने हैं? 20 हैं, या जो क्या पढ़ाते हैं? गणित और भौतिकी। गणित को हम लोग क्या मान लेते हैं? मैथ। और भौतिकी को क्या मान लेते हैं? फिजिक्स। तो उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यम यूनियन पी मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी हो गई? 20। आगे उन्होंने क्या कहा है? इनमें से 12 गणित मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, आगे उन्होंने कहा और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 अध्यापक ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। इसका मतलब n m इंटरसेक्शन p मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले ऐसे कितने हैं? 4 हैं। तो उन्होंने पूछा है कि कितने अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी। नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स पढ़ाने, भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या। ठीक है, हम लोग फिर से क्या करेंगे? भाषा संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए ऊपर दिए गए इसी सूत्र का क्या करेंगे? यहाँ भी प्रयोग करेंगे। लिखेंगे क्या? n m यूनियन p बराबर n m प्लस n p माइनस n इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन p। ठीक है, यहाँ ये नियम से क्या है? अवयव। m यूनियन p में अवयव, m में अवयव, p में अवयव और m इंटरसेक्शन p में अवयव। तो हमें दिया है उन्होंने m यूनियन p बराबर कितना दिया है? 20 बराबर m में कितने हैं? 12 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स में ज्ञात करना है। यहाँ क्या करना है? माइनस n, इसमें कितना दिया गया है? m इंटरसेक्शन p में कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
पहले तो इसमें से घटा लीजिए, 20 बराबर 12 में से 4 घटा लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 प्लस नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स, ठीक है। अब ये 8 क्या होगा, बराबर किस पर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स। तो नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स कितना हो जाएगा, 12 में से 20 में से 8 गया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये है भौतिकी में अध्यापकों की संख्या, भौतिकी में कुल कितने अध्यापक हैं 12। बढ़ते हम लोग अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण संख्या क्या ले लेते हैं 25। देखिए उदाहरण संख्या 25 क्या है, कह रहे हैं 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल में दी गई चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। सवाल है, उदाहरण संख्या हमारे पास क्या है 25, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है 25। कह रहे हैं 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब कौन कौन से खेल खेलते हैं, क्रिकेट है और कौन है फुटबॉल, ठीक है। तो क्रिकेट को हम लोग सी मान लेते हैं, फुटबॉल को क्या मान लेते हैं एफ, ठीक है। तो सवाल में क्या है, कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 35, ठीक है। आगे कहे हैं उन्होंने 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है। आगे उन्होंने कहा है और 16 फुटबॉल खेलना, 16 लोग क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना अवश्य पसंद करता है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। देखिए हमसे पूछा गया, यहाँ तीन चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पूछा गया है कि सी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ठीक है। फिर से हम लोग क्या भाषा संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए जो सूत्र बनाए थे वो क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी यूनियन एफ बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना। देखिए सी यूनियन एफ का मान कितना है 35 है, बराबर सी का मान कितना है 24 है, ठीक है, प्लस एफ का मान कितना है 16, माइनस यहाँ हमें क्या करना है एन सी इंटरसेक्शन एफ क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा 35 बराबर 24 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 36 10 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। सबसे पहले तो इसे ट्रांसफर कर दीजिए बराबर किस पर, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा 40, यहाँ पहले से मौजूद है ये 35 उधर जाएगा बराबर के दाहिनी ओर, तो क्या हो जाएगा माइनस 35। आंसर हमारा हो जाएगा सी इंटरसेक्शन एफ बराबर 5, 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। आप चाहे तो इसी प्रश्न को वेन आरेख से भी लगा सकते हैं, कैसे ध्यान से देखिए, वेन आरेख द्वारा हल। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, यू बनाएंगे, ठीक है। यू में हमारे पास कुल कितने हैं 35, ये रहे हमारे कितने कुल 35, कुल कितने हैं 35, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसे मान लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास जो है वो कौन है सी, और ये जो हमने दूसरा बनाया है ये कौन है, इसे एफ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ये बीच का पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जिसे हमने क्या किया है छायांकित किया है, देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा सी इंटरसेक्शन एफ, क्या कहलाएगा सी इंटरसेक्शन एफ। सवाल ने कहा है कि क्या ए जो है पूरा, जो ए जो ये दिख रहा है ना सी, जो ये सी है वो कितना है, जो सी है वो कितना है 24 है, जो सी है वो कितना है 24 है, और जो एफ है वो कितना है, एफ जो है वो कितना है 16, एफ जो है वो कितना है 16, ठीक है ना, एफ जो है वो क्या है पूरा 16 है। तो हमने देखा
कि अगर ये लोग 35 में हैं, अगर ये लोग क्या हैं 35 में हैं, तो C और F दोनों मिला के 35 होना चाहिए। हमने देखा C जो है और F जो है वो जोड़ा हमें, तो आंसर जो मिला वो कितना मिल गया, 40 मिल गया, जबकि होने कितने चाहिए थे, 35 ही होने चाहिए थे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या टोटल 35 ही है। जब सी हमने जोड़ा और हमने क्या जोड़ा, एफ जोड़ा, तो कुल मिला कितने हो गए, 40। ठीक है, तो हमने सोचा कि ये जो पार्ट है इसमें ये कितनी बार हो गया, दो बार ऐड हो गया। ठीक है, दो बार ऐड हो गया, तो एक बार इसे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए जो टोटल नंबर है उसे यूनियन में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात 35 में से जब 40 घटाएंगे, इसमें से 35 में से 40 घटाएंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, और भी विधियां हैं जिसमें आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे यक्ष मान ले सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं, यक्ष मान सकते हैं। ठीक है ना, जब इसे आप यक्ष मानेंगे तो आपके पास सी में जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ये हमने इतना भाग जो है यक्ष मान लिया, जबकि पूरा क्या है हमारे पास, 24 है, ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस यक्ष। ठीक है, इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा 16 है जिसमें से ये यक्ष है, ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस यक्ष। अब ये सब पूरा मिला के कितना होना चाहिए, ये सब पूरा मिला के 35 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 35 के। ठीक है, एक एक्स इस वाले एक्स से क्या हो गया, कट गया, ये हो जाएगा 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 माइनस क्या एक्स बराबर कितना, 35, एक्स उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 35 बराबर क्या, यक्स। अर्थात यहाँ आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, यक्स बराबर 5। ठीक है, हमने इसे यक्स माना था जो सी इंटरसेक्शन क्या है, यफ। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखिए उदाहरण संख्या 26। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो सेब का रस है, क्या है, सेब का रस, ठीक है, दूसरा क्या है, संतरे का रस है, क्या है, संतरे का रस। ठीक है, सेब के रस के लिए हम लोग ए यूज़ करते हैं और संतरे के रस के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर लेते हैं, ऑरेंज ओ। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी स्कूल में, स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब, 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हो रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा इन दोनों का मिला करके, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन ओ बराबर कितना है, 400 विद्यार्थी, मतलब सेब का और संतरे दोनों का रस पीने वाले विद्यार्थियों, दोनों में कौन है, 400। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 विद्यार्थी सेब का रस, 100 विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल सेब का रस पीते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं 150 विद्यार्थी संतरे का, 150 विद्यार्थी संतरे का, ये रहा 150 विद्यार्थी किसके हो गए, संतरे के। आगे उन्होंने कहा है कि 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ, सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 75 है। तो आगे कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ आपके पास जितनी भी चीज़ें दी गई थी सब आपके पास हैं। ठीक है, यहाँ हमें ए यूनियन टोटल नंबर 400, ए में कितने हैं 100, ओ में कितने हैं 50, ए और ओ दोनों में कितने हैं 75, जबकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नॉट ए और नॉट बी। ठीक है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, उन्होंने कहा है कि ना तो सेब का रस पीते हैं और ना तो संतरे का रस पीते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, मतलब A-A- का क्या मतलब है, जो क्या करते हैं, संतरे का जूस नहीं पीते हैं। O- का क्या मतलब है, O- का मतलब है, अच्छा A- का मतलब सेब का रस नहीं पीते हैं, O- का मतलब क्या है, संतरे का रस नहीं पीते हैं। तो दोनों को जब हमने इंटरसेक्शन कर दिया तो दोनों के रस न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो हमें यह ज्ञात करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A- इंटरसेक्शन O-। ठीक है, आपको याद हो
तो हमने इस पर क्या, हमने जब पूरक समुच्चय पढ़ा था तो पूरक समुच्चय में हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। पूरक समुच्चय में हमारी प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी थी कि यन, अच्छा यह वहां यन नहीं था, वहां था ए यूनियन बी का होल डैश। यदि आपसे ए यूनियन बी का होल डैश पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी ज्ञात करके बता सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। यदि आपसे क्या पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तब आप ए डैश यूनियन क्या कर सकते हैं, बी डैश कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहां जो पूछा गया है वो ये वाली बात है, कौन सी, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन बी के होल डैश, ठीक है ना, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, ए यूनियन ओ है, अच्छा बी लिख दिया हमने यहां, सॉरी यहां क्या रहेगा, ओ, ठीक ये रहेगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, हमें पूरा का डैश ज्ञात करना है ना, पूरे का डैश ज्ञात करने का क्या मतलब है कि हम लोग क्या कर लें, अच्छा यहां एक और भी गलती हो गई है, ठीक है, यहां ए यूनियन ओ का जो मतलब है ये ए यूनियन ओ नहीं है, ठीक है ना, यहां ए यूनियन ए भी फाइंड करना है। और हमें क्या, ये जो 400 विद्यार्थी हैं वो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी यू में है, ठीक है ना, ये है 400, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग सूत्र लगाएंगे वो कौन सा सूत्र होगा, सबसे पहले जो सूत्र लगाएंगे वो होगा एन ए यूनियन ओ बराबर एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। देखिए यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए एन ए का मान कितना है 100, कितना है 100 प्लस एन ओ का मान कितना है 150 माइनस ए इंटरसेक्शन इसमें कितना है 75, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में 150 जोड़ोगे तो 250, 250 में से हमें क्या करना है 75 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 175, 175। तो आगे देखिए, हम लोगों ने ए यूनियन ओ निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन ओ के होल्डर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसे ज्ञात करेंगे, डैश ज्ञात करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट का प्रयोग करते हैं और यू में से क्या करेंगे ए यूनियन ओ को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन ओ का होल डैश बराबर यू में कितने हैं, यू में कुल कितने हैं 400 माइनस इसमें कितने हैं 175, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 400 में जब 175 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 225, 225, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आप इसे लिखने के तरीके को फिर से बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो लिखने का हमारा तरीका है वो यहाँ है, देखिए यहाँ, ठीक है। इसे हम दोनों चीज़ों को एक ही रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या एन ए डैश इंटरसेक्शन क्या ओ डैश, ये रहा आपका आंसर। दो सौ पच्चीस विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो संतरे का जूस पीते हैं और ना ही सेब का जूस पीते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण संख्या 27 की ओर, उदाहरण संख्या 27 में हमारे पास है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, 200 व्यक्ति हैं जो किसी चर्म रोग से क्या हैं पीड़ित हैं, ठीक है। इसमें 120 व्यक्ति रसायन C1 से, 50 व्यक्ति रसायन C2 से, 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों, कई प्रश्न हैं इसके अंदर, तो देखिए ध्यान से 27। सबसे पहली बात तो 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से क्या है पीड़ित हैं, तो हमारे पास जो यू दिया गया है वो कितना है 200 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 200 व्यक्ति हैं। अब इसमें 120 व्यक्ति क्या है रसायन C1 से, रसायन C1 से पीड़ित, रसायन C1 से पीड़ित कितने हैं 120। आगे उन्होंने कहा है रसायन 50 व्यक्ति रसायन C2 से, रसायन C2 से जो पीड़ित हैं वो कितने हैं 50, और C1 और C2 दोनों से नंबर ऑफ पीपुल हुज डिफेक्टेड C1 एंड C2, C1 इंटरसेक्शन C2 बराबर कितना
30 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 30। कहा है पहली सवाल में रसायन C1 किंतु रसायन C2 से जो प्रभावित नहीं है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तुम्हारे पास U है, फिर C1 है, फिर C2 है, C1 इंटरसेक्शन C2 भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कुल हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले C1 यूनियन C2 निकाल लेते हैं। C1 यूनियन क्या निकाल लेते हैं? C2। ठीक है, देखिए C1 यूनियन C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है? 120 प्लस C2 का मान कितना है? 50 माइनस C1 और C2 में कितने हैं? 30। तो कितना हो जाएगा, 120 में 50 जोड़ देंगे तो 170, 170 में 30 घटा दीजिए 140। 140 ऐसे हैं जो C1 और C2 दोनों में हैं, मतलब C1 और C2 मिलाकर कुल कितने हैं? 140 हैं। ठीक है ना, पहले प्रश्न में उन्होंने कहा है कि वो रसायन C2 से नहीं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो रसायन C1 से क्या है प्रभावित है लेकिन C2 से नहीं। ठीक है, इसके लिए वेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेन। ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा वेन। ठीक है, वेन में हमारे पास क्या है? तीन तीन रोग हैं, तो हमने क्या बना लिया, ये तीन। ठीक है, इसे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। देखिए अब उन्होंने क्या कहा है, हम लोग इस वाले बॉक्स को क्या मान लेते हैं? C1। तो C1 में कितने हैं? 120 हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा क्या है, C2 में कितने हैं? 50 हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है, C1 और C2 वाला ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में उन्होंने कितना कहा है? 30। कितना कहा है? 30। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी जानकारी हमें क्या की है, दी है। अब उन्होंने आगे क्या पूछा है, उन्होंने आगे हमसे पूछा है कि C1 और C2, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये बोला देखिए, तो केवल C1 में कितना हो जाएगा, 120 कुल हैं, तो 30 उसमें से घटा देंगे तो यहाँ केवल C1 में कितना हो जाएगा? 90। ठीक है ना, केवल C1 में कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि टोटल ऐड होके कितना होना चाहिए, टोटल ऐड होके 120 होना चाहिए, तो 90 ये और यहाँ का 30 कितना हो जाएगा? 120। यहाँ टोटल कितने हैं? 50, जिसमें से 30 ये है, तो जो शेष बचेगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 20। अब पहली सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि रसायन C1 से प्रभावित हो किंतु C2 से नहीं हो, ऐसे कितने हैं कि जो रसायन C1 से तो प्रभावित हैं लेकिन C2 से नहीं है। तो देखिए ध्यान से, रसायन C1 में कुल कितने हैं? 120, और उस 120 में 30 ऐसे हैं जो C1 और C2 दोनों में हैं, तो हमारे पास जो बचा वो क्या हो जाएगा, पहले में हमारा आंसर हो जाएगा C1 से प्रभावित परंतु C2 से नहीं। कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। ठीक है ना, फिर दूसरी सवाल देखिए, दूसरी सवाल उन्होंने कहा है कि रसायन C2 किंतु C1 से नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब C2 से प्रभावित हैं, C2 से क्या हैं? प्रभावित हैं परंतु C1 से नहीं। ठीक है ना, तो देखिए C2 में कितने हैं? कुल 50 हैं, जिसमें से 30 ऐसे हैं जो C1 से भी प्रभावित हैं, तो केवल C2 में कितने हैं? 20 हैं। ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है क्या, तीसरी सवाल में रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए हैं, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित। ठीक है, रसायन C1 तथा अथवा, देखिए C1 अथवा C2 से कितने प्रभावित हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 अथवा C2 से ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, ये C1 है, ये C2 है, C1 अथवा C2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे लिए कि नंबर ऑफ पीपल इन C1 यूनियन C2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल इन C1 नंबर ऑफ पीपल इन
सी वन प्लस नंबर ऑफ पीपुल इन सी टू माइनस नंबर ऑफ पीपुल इन सी वन इंटरसेक्शन सी टू। ठीक है, तो सी वन और सी टू दोनों में प्रभावित। तो सी वन में कितने हैं, सी वन में कुल 120 हैं और सी टू में कितने हैं, सी टू में कुल कितने हैं 50 हैं, दोनों में कितने हैं 30 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 में 50 जोड़ देंगे तो कितना 170, और 170 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 140। 140 ऐसे हैं जो C1 अथवा C2 में क्या है, प्रभावित है। तो ये हमने जो पहले निकाला था ये क्या है हमारा, C1 अथवा C2 दोनों में प्रभावित। ठीक है, ये रहा वेन, वेन से हम लोगों ने इसे क्या किया है, हल किया है। इस प्रकार आपकी किताब के सभी उदाहरणों को हमने क्या किया है, कवर किया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगली प्रश्नावली की ओर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।